बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन इजी स्टिचिंग बाय हरम। आज मैं आपके साथ एक और नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो बटन्स और शटल लैस की मदद से हम बनाएंगे। ये नेक डिज़ाइन देखने और बनाने के बाद आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका मिस ना करना ताकि आपको समझने में और बनाने में आसानी रहे। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग स्टार्ट करने के लिए ऊपर से हमने 4 इंच रखा है, वैसे नॉर्मल हम 3 इंच अगर रखते हैं जो इसकी चौड़ाई होती है, लेकिन मैंने इसका 4 इंच चौड़ाई रखी है। नीचे से 15 इंच और तकरीबन ये हमने 7 इंच पे मार्क करके इनको आपस में ज्वाइन कर लिया है। ये ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच रखेंगे और नीचे मैंने 9 इंच पे एक और मार्क किया हुआ था। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। हल्की सी गोल शेप के देते हुए हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे अंदर वाले पार्ट की स्केचिंग कंप्लीट होगी। अब हम बाहर वाली साइड से तकरीबन 1 इंच चौड़ाई पर रख के मार्किंग करेंगे। वैसे आप फ्री हैंड के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग करने से आसानी रहती है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए आसानी रहती है कटिंग करने में। नीचे से हमने 1 इंच जो है वो ये जो पट्टी सेंटर में रखेंगे उसको 1 इंच ही चौड़ाई करेंगे। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। जिस शेप में हमने स्केचिंग की हुई थी उसी शेप में हम कटिंग कर लेंगे। पहले अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे, अब हम उसके बाहर वाली साइड से कटिंग कर देंगे। अब सेंटर में से भी उसको अलग-अलग पार्ट्स में कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर जो है प्रेस करके अटैच कर लेंगे। और ये देखिए 2 लेयर्स कपड़े की हैं, एक नीचे वाली और एक जो जिसके ऊपर पेपर पट्टी अटैच की है। अब हम इन दोनों को सेंटर वाली साइड से पहले एक पार्ट को जो दोनों स्ट्रिप्स जो है एक जिस पे पेपर पट्टी अटैच हुई है और एक नीचे एक्स्ट्रा रखी हुई थी उसके साथ अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह सेम दूसरी साइड से भी अंदर वाली साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब हम इनको सीधा करके प्रेस करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर वाली स्ट्रिप के साथ उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह जो है स्ट्रिप के सेंटर में एक हल्का सा कट लगाएंगे दोनों स्ट्रिप्स को आपस में मिला के। और सेंटर में से पिन अप कर लेंगे ताकि गला लगाने में आसानी रहे। ये देखें, ये नेक जो है हमारा डिज़ाइन इस तरह का रेडी होगा। अब हम इसको शर्ट के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। पहले सेंटर वाले पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करके जहाँ तक हमारी स्ट्रिप है वहाँ तक हम मार्किंग करेंगे। अब हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। सेंटर में से हल्का सा तिरछा निशान लगा के उसको कट कर देंगे। अब हम गला अटैच करना शुरू करेंगे। जिस शेप में हमारी कटिंग हुई हुई है उसी शेप में हम जो गला है उसको अटैच करते जाएंगे। गला उल्टी साइड पर रख के अटैच करेंगे। हाथ की मदद से सीधा करते जाएं और उसके साथ अटैच करते जाएं। कार्नर पे आके सिलाई जो है उसको थोड़ा सा मजबूत कर ले। अब दूसरी साइड से भी उसी तरह हम सेम स्टिच करेंगे।
अब हम उसको गले को प्रेस की मदद से बाहर वाली साइड पे फोल्ड करके शटल लेस साथ अटैच करके स्टिच करते जाएंगे। स्टिच कॉर्नर पे रख के हम करेंगे। ये देखिए ये गला बनाना कितना ही आसान है और बहुत ही डिफरेंट लुक देगा जब हमारा ये गला रेडी होगा। ये गला हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। लैस हमारी तकरीबन अटैच हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। और जो बिगनर्स हैं वो स्पेशली मेरी वीडियोस को देखा करें क्योंकि ये मेरी वीडियोस उन्हीं के लिए हैं ताकि वो आसानी के साथ स्टिचिंग सीख सकें। ये मैंने सेंटर में उसके साथ मैचिंग बटन्स अटैच कर लिए हैं और गला रेडी हो चुका है। नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।